रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके हिसाब से पता चल रहा है कि एक ऐसा ऐप है जो लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है, लेकिन उसमें मालवेयर इफेक्ट डाला गया है। और ये जो है कैस्पर स्काई और क्लेरिफाई है, ये दोनों ऐप ऐसे हैं प्ले स्टोर में जो आपका डेटा को लीक कर रहा है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपने कभी ये चीज़ यूज़ किया है कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला एंटीवायरस कब बनाया गया था? पता तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। उसका नाम है रिपेयर, 1972 में बनाया गया था। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल क्या रही, आपको यह चीज पता है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्दा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल कि आपके हिसाब से कितने इमेज का पावर बैंक आपके लिए कैरी करने के लिए और कंफर्टेबल के हिसाब से बेस्ट होता है। 44% लोगों ने कहा 20,000 और उससे ऊपर, और 35% लोगों ने कहा 10,000। तो मुझे 35% लोगों का सवाल जवाब सही लगा क्योंकि 10,000 इमेज जो है कंफर्टेबल होता है। आपके हिसाब से कितना होता है कमेंट में जरूर बताइए। पहली अपडेट के साथ बढ़ते हैं तो बात करते हैं, एक अफवाह निकली हुई है व्हाट्सएप में कि सऊदी में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और किसी को रेड हैम हार्ट भेज दिए तो आपको जेल हो सकता है। तो मैं सऊदी में हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी आप रेड हैड मतलब हार्ट भेजिए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सऊदी में व्हाट्सएप बैन है। गवर्नमेंट के नज़र में व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं कर सकते, सऊदी में कॉल वगैरह नहीं जाता है। तो लोग बहुत कम लोग हैं जो यहाँ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और ज़्यादातर स्नैपचैट यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो आज है 27 सितंबर, और 27 सितंबर के दिन में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल शुरू हो गया है। तो इस पर एक वीडियो आएगा जिसके लिए स्टेडियो करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी वीडियो हम देंगे। और कोई फोन खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है ईआई मार्केट की। 2027 तक ऐसा बताया जा रहा है कि 82,000 करोड़ रुपए का इंडिया में ईआई का मार्केट बन जाएगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। आप ईआई यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है मेटा की तरफ से। मेटा ने अपना खुद का एआर ग्लास लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस निकल के आया है 25,000 रुपए, कन्वर्ट करके बता रहे हो, और ये यूरोप में लॉन्च हुआ है। इंडिया में जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट है अकाई की तरफ से। अकाई ने एक टीवी लॉन्च कर दिया है जो 100 इंच का है, और ये जो है 1,00,000 रुपए मतलब 10 रुपए कम, 1,00,000 रुपए का ही। इस तरह की कुछ अपडेट है जो 75 इंच का और 100 इंच का है। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। अकाई इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया और क्या आप टीवी लेंगे 1,00,000 रुपए का अकाई का कमेंट में सर। अगली अपडेट आ रही है एप्पल का, जो आईपैड 10th generation है वो अमेजोन में जो इनका डील्स चल रहा है उसके हिसाब से 26,990 रुपए मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस जो है 44,990 है। तो इस तरह का कुछ है, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। नीलेश जी का सवाल है, नाइट कैमरा रियलमी 12 Pro Plus कैसा है? देखिए नाइट कैमरा रियलमी 12 Pro Plus का बेस्ट है, लेकिन पोर्ट्रेट उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आर्टिफिशियल लेंथ पे काफी जबरदस्त आता है। तो आप देख, अगली अपडेट आ रही है रेडमी नोट 14 की तरफ से। रेडमी नोट 14 का फर्स्ट लुक आ गया है और बहुत ही अतरंगी डिजाइन है, लेकिन रेडमी का नोट 14 Pro Plus इसका 4 कलर आएगा जो देख सकते हैं। एक पर्पल है, एक व्हाइट है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। आपको कैसा लगा और कौन सा कलर बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर 2024 को हाइपर ओएस का वर्जन 2 लॉन्च होने वाला है 2.0, और ये जो है शॉमी 15 सीरीज के साथ लॉन्च होगा। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का M15 प्रीमियम एडिशन लॉन्च हो चुका है इंडिया में। इसकी प्राइस निकल के आई है 10,999। डायमेंसिटी 6100 वाला प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है, 50+5+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी 13 का सेल्फी, 6000 mAh की बैटरी, 25W का फास्ट चार्जिंग। लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का S25 Plus। ये जो फ़ोन 8th generation 4 के साथ लिस्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जब आएगा तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का S24 FE। ये जो है एक्सीडेंटली प्री ऑर्डर में चल गया कल के दिन में। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपने किया प्री ऑर्डर कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है 30 सितंबर की, फंटच ओएस 15 लॉन्च होने वाला है एंड्रॉइड 15 के साथ। इस तरह की कुछ अपडेट है और इंडिया में होगा, जो सबसे अच्छी बात है। आपके फोन में कौन सा ओएस है कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है वीवो का X Fold 3 Pro। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी फर्स्ट लुक आ गई है जो देख सकते हैं, व्हाइट कलर पे आ गया है। वहीं बात करते हैं ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है जो 1,60,000 रुपये बताया जा रहा है। देखने में काफ़ी ज़बरदस्त और कूल लग रहा है। आप में से कितने लोग इसे लेने का सोच रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है वीवो का V40 Lite और V40 Lite 4G। दो फ़ोन आने वाले हैं जिसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं,
कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है, वन प्लस 13 का केस आ गया है जो आप देख सकते हैं। और इस बार डिजाइन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोको का बहुत सारे फोन ऐसे डिजाइन पे आते हैं और इसका भी आ रहा है जिसमें एक पेरिस्कोपिक सेंसर होगा 100% जो नजर आ रहा है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है, ओप्पो का फाइंड X8 सैटेलाइट नेटवर्क के साथ आएगा और इसका एंटूडो बेंचमार्क स्कोर 2880000 आ गया है डायमेंसिटी 9400 के साथ। क्या लगता है कौन किसको बीट किया, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 या फिर डायमेंसिटी 9400, कौन ज्यादा पावरफुल है आपके हिसाब से कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है, लावा अग्नि 3, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फोन है इसकी टीज आई है जो आप देख सकते हैं, 3 लिखाया है, पता नहीं सितंबर में लॉन्च होगा या अक्टूबर में। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों टेक न्यूज होता है खत्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।